नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फ्यूजिंग टेम्परेचर का कैसे पता करें, यानी हमारी फ्यूजिंग मशीन किस टेम्परेचर में चल रही है, इसका पता कैसे लगाएं। तो साथियों, एक थर्मोपेपर की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि हमारी फ्यूजिंग मशीन किस टेम्परेचर पे वर्क कर रही है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिया हुआ है कि किस कपड़े में कितना टेम्परेचर, कितनी टाइमिंग की जरूरत है। साथियों, आप उस वीडियो को देख करके ये पता कर सकते हैं कि किस कपड़े में किस टेम्परेचर और कितनी टाइमिंग, कितनी प्रेशर की जरूरत है। तो मैं आपको बताता हूं साथियों कि सर्वप्रथम वो प्लेन थर्मोपेपर को लेते हैं। और कपड़े को, यानी जिसमें फ्यूज किया हुआ है, फ्यूजिंग से पहले हम जितना थर्मोपेपर का साइज है उसको कटिंग कर देते हैं। उसके बाद फ्यूजिंग मशीन के अंदर डालते हैं। फ्यूजिंग मशीन पे थर्मोपेपर चिपक जाता है और सबसे डार्केस्ट ब्लैक एरिया जहां पे आती है साथियों, वो आपका हीट माना जाता है, टेम्परेचर माना जाता है। जैसा कि मैं आपको पिक्चर के द्वारा, इमेजेस के द्वारा कई तरह के हीट दिखाएंगे, कई तरह के टेम्परेचर दिखाएंगे। तो सबसे ब्लैकिश है वही टेम्परेचर कहलाता है। कितने टेम्परेचर पे मशीन चली हुई है वो आप एक एक करके अच्छी तरह से इमेजेस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम साथियों ये जानना जरूरी है कि थर्मोपेपर जो है कहां से स्टार्ट होता है और कितने तापमान तक ये बताता है। तो स्टार्टिंग होती है इसकी 127 डिग्री से 171 डिग्री तक का ये आपको आंसर देता है। तो आइए साथियों, हम आपको बताते हैं कि किस कपड़े में कितना टेम्परेचर, कितना तापमान और कितना प्रेशर होना चाहिए। तो आइए साथियों, कुछ कपड़ा जिसपे कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना प्रेशर होना चाहिए, कितनी टाइमिंग होना चाहिए, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी जो कॉटन वाइल है वो 140 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे होना चाहिए। 3 केजी का प्रेशर इम्पॉर्टेंट है, 15 सेकेंड टाइमिंग होनी जरूरी है। दूसरा, कॉटन ब्लेंड्स 140 से 145 डिग्री का तापमान होना चाहिए, 3 केजी 15 सेकेंड। जॉर्जेट बिस्कोस 140 से 145 डिग्री, 3 केजी 15 सेकेंड। पॉली जॉर्जेट 140 से 145 डिग्री, 3 केजी 15 सेकेंड। रेयॉन 140 से 145 डिग्री, 3 केजी 12 से 15 सेकेंड। सिफोन 135 से 140 डिग्री, 3 केजी 15 सेकेंड। वैसे ही सैटन है साथियों, 135 से 140 डिग्री, 3 केजी 15 सेकेंड। पॉलीक्रेप 140 से 145 डिग्री, 3 केजी 15 सेकेंड। कॉटन क्रेट 140 से 145 डिग्री, 2.5 केजी 15 सेकेंड। डेनिम 140 से 145 डिग्री, 2.5 केजी 15 सेकेंड। आशा है साथियों, आप बार बार अगर रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको कपड़े वाइज टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग का भी नॉलेज हो जाएगा, साथ में थर्मोपेपर कैसे वर्क करता है
थर्मोपेपर की क्या जरूरत है, वो सारी नॉलेज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी साथियों। तो आशा करता हूं साथियों आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय।